नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं कनिका। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां सरकारी महकमा मतदाताओं को जागरूक करने में पीछे नहीं है, वहीं स्कूली बच्चे भी लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जी हां, तस्वीरें बुलंदशहर के सयाना से सामने आई है, जहां पर स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और मतदाताओं को जागरूक किया। आपको बता दें कि इस रैली का आयोजन ग्राम प्रधान और सचिव ने किया, वहीं इस रैली में हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट का भी सहयोग रहा, जो लगातार चुनावों में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं बागपत लोकसभा क्षेत्र के किनोनी गांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही रालोद के उपाध्यक्ष और बागपत लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी जयंत चौधरी को राजकुमार बताया अपने संबोधन में। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आप भी सुनिए। देश के आम चुनावों में जहां एक तरफ पार्टियां और उम्मीदवार अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और बैठकों का दौर कर रहे हैं, तो वहीं इन चुनावों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भी बैठकों के दौर के साथ मीटिंगों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। आप भी देखिए गुरुग्राम से संवाददाता ऋषभ ठकराल की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक एनआरआई महिला पत्रकार से अभद्रता के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी गाजियाबाद से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं आपको बता दें कि छेड़छाड़ के आरोप में गाजियाबाद न्यायालय से गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद जमानत मिल गई। कहा यह भी जा रहा है कि इंदिरापुरम पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिससे उसको तुरंत ही जमानत हो गई। लोकसभा चुनाव 2019 पूरी तरह से शबाब पर है, ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की जुगत में लगे हुए हैं। तो वहीं यूपी के कासगंज जिले में मौजूद बीजेपी सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया की नकारात्मक सोच के कारण विरोध के स्वर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह को जनता के विरोध का सीधा सामना करना पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में एक शातिर हथियार तस्कर अफजल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक अन्य साथी मारूफ मौके से भागने में कामयाब हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने मौके से 5 बने हुए तमंचे, कारतूस, तमंचा बनाने के उपकरण और लगभग 100 से ज्यादा तमंचे बनाने का मटेरियल बरामद किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं अम्बाह की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।